बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम अपने सेशन में पांच नए लफ्ज़ जो सीखेंगे उनकी लिस्ट में पहला लफ्ज़ एंडेमिक है। आजकल एक वर्ड जो कोरोना वायरस के मुतालिक पेंडेमिक का हर जगह पे यूज़ किया जाता है, तो पेंडेमिक एक ऐसी मर्ज होती है जो पूरी दुनिया में फैली होती है, और एंडेमिक उसकी उल्टा है। एंडेमिक का मतलब होता है एक ख़ास इलाके तक जो बीमारी हो, और ये इनहेरेंट हो सकती है बिलोंगिंग टू एन एरिया स्पेसिफिकली, तो किसी ख़ास एरिया के साथ अटैच होती है, नेटिव और कन्फाइंड टू ए सर्टन रीजन। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा वो है इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कमज़ोर करना, टू वीकन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एनजेंडर, कॉल फॉर्थ, टू काज, प्रोड्यूस, बाप बनना। जेंडर से एन निकाल दें तो जेंडर बचती है, जेंडर का मतलब जिन्स होता है, और जिन्स को बढ़ाने के लिए जो अमल होता है उसको एनजेंडर यानी कि बाप बनना, इन्हेंस। इसके बाद नया वर्ड है इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब होता है इनक्रीज़ करना, बढ़ाना, इम्प्रूव करना। और आखिरी वर्ड हमारा जो आज के सेशन का होगा वो है एंटोमोलॉजी। जूलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें इंसेक्ट का मुताला किया जाता है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज़ इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकौड़े, और कीड़े मकौड़ों को भी हैवानियात में शुमार होता है। और हैवानियात का जो नॉलेज है, इलम है जानवरों का, तो उसको क्या कहते हैं, जूलॉजी। तो अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एंडेमिक, नेटिव टू और कन्फाइंड टू ए सर्टन रीजन, देर इज़ आल्सो ए लार्ज परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पेसीज। तो एक स्पेसिफिक और ख़ास रीजन तक जब ये महदूद होता है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं किसी मर्ज को। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट्स एंडेमिक इन द एंजेलिस नेशनल फॉरेस्ट। सेकंड पे और देखते हैं, रेसिज्म इज़ स्टिल एंडेमिक ही सेड। तो रेसिज्म यानी कि ज़ात पात का जो मामला है या कौम परस्ती है, ये भी एक एंडेमिक ही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनरवेट, और इनरवेट का मतलब है कमज़ोर करना, बेआराम करना, तंग करना। ये पिक्चर कुछ एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रही है ये कमज़ोर करना, वीकन मेंटली और मॉरली, इनरवेट। सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, द यूरोपियंस हैव हैड एन इनोवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन म्यूजिकल थिएटर। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनजेंडर, येट एज ही हैज़ डिस्कवर्ड हिज एक्सपीरियंस डज नॉट ऑलवेज एनजेंडर रेस्पेक्ट, एवरी बॉडी नाउ इज एन एक्सपर्ट। सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, द स्कूल वर्क्स हार्ड टू एनजेंडर अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। तो बढ़ाना या उसको किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मुंतकिल करना, अकॉर्डिंगली सो इज़ दी हैज़ल स्पेंसर रेजोल्यूशन इट एनजेंडर्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, बट द चर्च हैज़ लेफ्ट द मीडिया एनजेंडर देयर ओन आइडियाज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्हेंस, बढ़ना, बढ़ाना, इजाफा करना, पुरकशिश और बेहतर करना। ये पिक्चर अच्छी है, ये सही है ये वाली, कि एक मेकअप से
आप इन्हेंस करते हैं पर्सनालिटी को, बढ़ाने की, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो इस अमल को इन्हेंस कहेंगे। ही इन्हेंसेज हिज ऑन पोलिटिकल स्टेचर एंड दैट ऑफ न्यूयॉर्कर्स। एक और सेंटेंस देखते हैं, एंड हिज प्रेजेंस इन्हेंस्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ एम। नेक्स्ट वर्ड एंटोमोलॉजी, इल्मे हशरियात, इल्मे हैवानियात। He was also interested in entomology, taxidermy and photography. He also founded the Center for Systematic Entomology during this time. So entomology, knowledge of insects. तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।